बीआरडी मेडिकल कॉलेज में आउटसोर्सिंग के तहत स्टाफ नर्स, वार्ड बॉय सहित अन्य पदों पर कार्यरत कर्मियों ने ड्यूटी से निकाले जाने के बाद बुधवार को जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष धरना दिया तथा जिलाधिकारी से मुलाकात कर ड्यूटी पर रखे जाने की मांग की, जिसके संबंध में कर्मचारियों का कहना था कि कोरोना काल के दौरान सभी कर्मचारियों ने आउटसोर्सिंग के तहत बीआरडी मेडिकल कॉलेज में मरीजों की सेवा की थी, लेकिन अचानक हम लोगों को ड्यूटी से हटा दिया गया है तथा 4 महीने का मानदेय भी नहीं दिया गया है। इसके संबंध में प्रीति और सुधीर ने बताया कि जिलाधिकारी से मुलाकात कर अपनी मांगों से उन्हें अवगत कराया गया है, जिस पर जिलाधिकारी ने बताया कि जितने कर्मचारियों की आवश्यकता थी उनको ड्यूटी पर रख लिया गया है, आवश्यकता पड़ने पर पुनः और कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आउटसोर्सिंग कर्मचारी प्रीति और सुधीर ने कहा, डीएम साहब के पास हम गए थे, उनसे हम बोले हैं कि हम लोग को रखा जाए। उन्होंने बोला है कि 15 स्टाफों की जरूरत थी, 15 स्टाफों को रख लिया गया है, आप लोग को नहीं रखा जाएगा। जब जरूरत होगा तब बीआरडी में आप लोग को बुलाया जाएगा, नहीं जरूरत होगा नहीं बुलाया जाएगा। आप लोग जाइए प्राइवेट करिए, प्राइवेट में आप लोग रिज्यूम दीजिए, प्राइवेट जॉब करिए आप लोग। हम बोले हम लोग को कोई प्रमाण भी नहीं मिला, तो उन्होंने बोला है कि प्रमाण हम देंगे तो आप लोग लेकर के कोर्ट पहुंच जाएंगे, इसीलिए 2-3 महीने के लिए कोई प्रमाण नहीं मिलता है। हमने 9 महीना ड्यूटी किया है पर कोई हम लोग को प्रमाण नहीं मिला है। क्या आश्वासन दिया? आश्वासन यही दिए हैं कि हम आप लोग के तरफ से हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन जब आवश्यकता पड़ेगी तब किया जाएगा। हमने धरना का परमिशन मांगा, उन्होंने बोला है कि धरना का परमिशन नहीं मिलेगा, आप लोग धरना नहीं दे सकती हैं। लमसम 3 महीने से हम लोग लगातार इसी का चक्कर काटते काटते हम लोग आज एकदम परेशान थे, तो कल हम लोग बीआरडी में बैठे धरने पर बैठे थे, तो बीआरडी जो प्रशासन है उसने बोला कि आप लोग परमिशन लेके आइए तब बैठिए, तो उसके बाद से हम लोग आए यहाँ पे परमिशन लेने के लिए, तो लमसम ढाई घंटा तक हम लोग यहाँ पे खड़े रहे, लेकिन मतलब हम लोग को परमिशन नहीं मिला धरने का। तो उसके बाद हम लोग गए वहाँ पे बीआरडी फिर गए, तो वहाँ से हटा दिया गया हम लोग को। तो आज हम लोग फिर सुबह में शाहपुर था असुरन से, ठीक है, हम लोग रैली निकाल करके यहाँ तक डीएम ऑफिस आए। डीएम ऑफिस आने के बाद एडीएम साहब हमसे मिले, पहले तो डीएम साहब नहीं मिले हमसे, लेकिन एडीएम साहब मिले। उसके बाद हम लोग नहीं माने तो फिर बोले हम लोग डीएम सर से भी बात करेंगे, तो हम डीएम सर से मिलने गए हैं। तो उसके बाद ये उनसे बोले कि सर ये बताइए हम लोग पहला जवाब हमारे यही था सर हम लोग को रखा जाएगा कि नहीं रखा जाएगा, ठीक है। तो डीएम सर ने बोला कि जो है मतलब आप लोगों की जब ज़रूरत होगी तब रखा जाएगा, बाकी जो इसमें मतलब इंटरव्यू हुआ था उसमें से 15 लोगों को रखा गया है, बाकी सबको मतलब 15 लोग कामयाब निकले तो उन लोगों को रखा गया। तो उसके बाद से ये बोले कि जो भी होगा मतलब सोमवार को आप लोग आइए सिटी मजिस्ट्रेट सर मिलेंगे, उनसे बात कर लीजिएगा, और उसके बाद नहीं कुछ होता है तो फिर हम अपने तरफ से देखेंगे उसको।